नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, ये देखिए आपके पंखे का सेफ्टी वायर है, ये जो लगता है आपके कुंडे में और पंखे में और आपके फैन बॉक्स में। देखिए दोस्तों कई जगह क्या हुआ है, ये पंखा जो है इस कुंडे से चलते 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 ये बोल्ट में, इस जगह से ये बोल्ट में ये यहाँ से अलग हो गया और ये बोल्ट चलते चलते कट जाता है, हिलता है जब पंखा इस तरीके से, तो ये पंखा नीचे गिर जाता है। इसलिए कंपनी ने अब सेफ्टी वायर ये दिया है कि अगर आपका कुंडा से अगर ये बोल्ट टूट जाए या कट जाए तो आपका पंखा आपके ऊपर नहीं गिरेगा और चोट नहीं लगेगी। चलिए आपको बताते हैं, देखिए स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। ये देखिए आप पंखा देखिए, पंखे में ये देखिए यहाँ पर ये छेद इसी के लिए दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये राड लगा ली, इसकी तार लगा लिया, यहाँ पर इसका बोल्ट कस दिया, इस जगह पर ये बोल्ट कस दिया इस तरीके से और इसको सेफ्टी वायर को नहीं लगा। देखिए सबसे पहले तो आपकी ये देखिए, आप जानते हैं कि ये राड है, ठीक, ये आपके पंखे में ऊपर लगती है, इसको हम इस तरीके से इसको लगा लेंगे। ये देखिए इसमें इसमें ये दो छेद होते हैं, एक दो छेद को हम इसी तरफ रखेंगे। बहुत से लोग ऐसे घुमा देते हैं तो ये छेद अंदर बंद हो जाता है, तो इसको हम इस तरह भी रखेंगे। अब आप ये देखिए दोनों में, ये देखिए छेद दिख रहा है, इस पर हम क्या करेंगे कि ये वाला इस तरफ से हम एक को डाल लेंगे। ये देखिए हमने बोल्ट को डाल दिया और इसको हम कस देते हैं, ये आपका, ये देखिए ये हमने इसमें कस लिया। ये देखिए ये सेफ्टी वायर को हम इस छेद में डाल देंगे, छेद में डालकर प्लास से इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। ये देखिए इसको लाग बोलते हैं, ये देखिए प्लास से इसको इस तरीके से थोड़ा तिरछा कर देंगे कि अगर ये चलते चलते, देखिए इस तरीके से पंखा गिरता है, ये चलते चलते ढीला हो जाता है, खुल जाता है, अगर ये लाग नहीं लगा होता तो ये बाहर निकल आता है। ये लाग बहुत ज़रूरी है, लाग इसको आप लगाएं, अगर लाग ना हो तो आल पिन डाल दें या कोई नुकीली चीज़ डाल दें या तार डाल दें इसमें, इस तरीके से इसको ज़रूर रखें। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि सेफ्टी वायर किस तरीके से लगाएंगे। देखिए दो तरह के ये सेफ्टी वायर हैं, एक में ये देखिए आप, एक में ये देखिए कंपनी डाल के, कोई कोई पंखों में ये सेफ्टी वायर अकेले इस तरीके से आ रहा, बिल्कुल ना परेशान हो कि ये आपका पड़ा है ये नहीं पड़ा है, ठीक। तो ये देखिए दोनों को हम आपको बताते हैं, पहले हम आपको इसको बता देते हैं, इसको इस तरीके से आप इसको बोल्ट को ना खोलें, बोल्ट को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको आप इस तरीके से सेफ्टी वायर को निकाल लेंगे और आप देखिए इस तरीके से इस छेद से यहाँ से इसको हम ऊपर की तरफ डाल देंगे। ये देखिए हमने ऊपर की तरफ डाल दिया और ऊपर डालने के बाद इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए आपका ऊपर पहुंच गया, ठीक है, ये अपना ऊपर पहुंच गया। अब आपको ये वाला सेफ्टी वायर हम आपको दिखाते हैं, वाले सेफ्टी वायर को हम किस तरीके से डालेंगे, इसको इस जगह से डालेंगे। देखिए जहाँ से आपका ये वायर गया है इसको इस जगह से ऐसे करके ऊपर निकाल देंगे। ये देखिए आप जिस तरीके से, ये देखिए आप इसको हम इस तरीके से ऊपर निकाल देंगे और फिर इसके बाद ये जब निकलेगा इसके बाद इसको हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर जो आपका पेंच निकला हुआ है पेंच, इसको यहाँ पर इस तरीके से पेंच में कस देंगे। ये पेंच में इसको लगाकर इस तरीके से कस देंगे, इस तरीके से कस देंगे, ठीक है। चलिए आपको वो वाले वायर से हम बताते हैं, ये वाले वायर से, ये देखिए हमने इस तरीके से इसको यहाँ से हम ऊपर निकाल लेंगे, ऊपर हमारा ये निकल आया, ये देखिए ऊपर निकल आया और यहाँ पर आप ये देखिए कि ये देखिए यहाँ पर सेट हो जाता है, ये यहाँ से टूटेगा नहीं, आप परेशान ना हो, ये इसी तरीके से हो जाएगा। अब आप ऊपर देखिए, ये हमारा ऊपर ये निकल आया, ये वायर आप देखिए हमारा निकल आया, ये देखिए हमारा निकल आया। अब आपका ये देखिए फ़ैन बॉक्स है, फ़ैन बॉक्स आपका छत पर इस तरीके से लगा होता है, आप क्या करें फ़ैन बॉक्स में, आपको हम यहीं आपको डाल के दिखाते हैं किस तरीके से। आप देखिए ये आपने जो इसमें सेफ्टी वायर में ये लॉक दिया है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दो छेद होते हैं, इस तरीके से होते हैं, आप इस तरफ से इसको डाल लें, इस तरीके से इसको डालकर यहाँ से निकाल लें। ये देखिए निकल आया, पंखे को फैन बॉक्स में टांगें, इसको आप ये देखिए इस तरीके से फैन बॉक्स लें और इसमें इस तरीके से डाल लें। ये देखिए हमने डाल लिया, क्या करेंगे अब, ये देखिए इसमें जो दूसरा ये है, ये देखिए आप, ये देखिए जो दूसरा छेद है ये देखिए, इससे इसको इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए निकल आया, ये देखिए इस तरीके से निकल आया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से छोड़ लेंगे, ठीक, डाल के छोड़ लेंगे। अब इसका जो कुंडा लगता है छत में, उसको हम आपको बताते हैं कि ये कुंडा जो है इसमें जो, ये भी तो लगेगा जब आप पंखा टांगेंगे, इसको इसको यहाँ से ना खोलें, इसको इस जगह से ना खोलें, इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करें इस तरीके से और इसको धीमे से आप इस तरीके से
इसी में फांस लें, देखिए पड़ गया, इस तरीके से तिरछा करेंगे कुंडे में पड़ जाएगा, इस तरीके से इसको लगा लेंगे, इस तरीके से इसको लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम देखिए आप पेंच इसमें लगा लेते हैं, ये देखिए हमने पेंच लगा दिया इसमें, ये देखिए इस तरीके से पेंच इसमें लग गया, और इसको हम अच्छे से बोल्ट से कस देंगे और इसका भी लॉक लगाएंगे यहाँ पर, ये जो लॉक लगता है। अब आप ये देखिए, ये जो आपका सेफ्टी वायर है, ये आपका ये सेफ्टी वायर, ठीक, ये देखिए पड़ा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसका पेंच ये जो है, ये पेंच को अब हम कस देंगे, ये देखिए ये पेंच को हम प्लास से अच्छे से कस देंगे, ये देखिए पूरा पेंच हम इसको कस देंगे इस तरीके से पकड़ के, इस तरीके से पकड़ के अच्छे से इसको कस देंगे। अब आपका ये सेफ्टी वायर बिल्कुल लग गया, और आप इसको याद रखें, कांटे को ज़रूर याद रखें, इसको आप ये जो इसको इस जगह पर डाल के और इसको प्लास से इस तरीके से तिरछा कर दें इस तरीके से, जो आपका अगर ये बोल्ट देखिए, अगर ये बोल्ट ये देखिए अभी खुला, अगर इस तरीके से खुल भी जाए तो आपका ये बाहर न गिरे, ये भी सेफ्टी में है, और आपका ये देखिए सेफ्टी वायर तो ये लगा हुआ है बिल्कुल इस तरीके से। अब आपका ये पंखा देखिए इस तरीके से छत पर टंगा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ये देखिए बोल्ट अगर टूट भी जाता है या खुल भी जाता है, जैसे आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं, जैसे आपका ये देखिए खुल भी जाता है इस तरीके से, अगर आपका ये टूट भी जाता है, ये देखिए ये अगर धीमे धीमे चलते चलते पंखा ये धीमे से रपक गया और आपका ये बोल्ट निकल गया, ये देखिए आपका निकल गया, ये देखिए निकल गया, ठीक। अब आपका ये निकल गया, अब आपका पंखा ये देखिए गिरेगा नहीं, ये आपका टंगा रहेगा इस तरीके से, देखिए आपका पंखा इस पर टंगा हुआ, ये देखिए आप, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें।